हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब बजट सेशन कुछ ही दिनों पे आ गया है और यहां पर अब लोगों के अंदर जो एक आम जनता जो है, ये लोग ये कहती है कि यार हम लोगों को रिलीफ क्या मिलेगा, हम लोगों को सजेशंस क्या मिले हैं गवर्नमेंट को, अरुण जेटली जी को यहाँ पर क्या सजेशंस मिले, हम लोगों को राहत कितनी मिलेगी, हम लोगों को इनकम टैक्स का जो बेसिक एग्जम्पशन है ये कितना मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उसी के रिलेटेड में है। जहाँ तक दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन की अगर बात आती है तो यहाँ पर जो एडवाइजरी कमिटी है, यहाँ पर अरुण जेटली जी को बेसिक एग्जम्पशन के लिए जो रिकमेंडेशन गया है ये गया है 4 लाख रुपए का। जहाँ पर 4 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन रहेगा, यहाँ पर आपको 4 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको 1 रुपये का टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे अभी जो वित्तीय वर्ष 17-18 का जो है, यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन है आपको 3 लाख रुपए है, और जब उसकी कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल होती है तो आपको 3.5 लाख तक का आपको बेसिक एग्जम्पशन है। अगर मैं आपको 4 लाख तक का अगर बेसिक एग्जम्पशन लेता हूँ और वो क्राइटेरिया छोड़ के अगर मैं बेसिक एग्जम्पशन वैसा लेता हूँ तो वो 3 लाख हो जाता है। तो अगर आप देखते हो तो आपको 10,000 रुपये का आपको टैक्स का गवर्नमेंट को लॉस होता है, क्योंकि 1 लाख रुपया वहाँ पर आपका एक्सिस में रहता है, 1 लाख रुपये के ऊपर जो कि 10% टैक्स स्लैब है। तो 10% का भी अगर मैं टैक्स स्लैब लेता हूँ तो गवर्नमेंट को 10,000 रुपये का नुकसान होता है। और मुझे नहीं लगता कि अभी जब हम लोग गवर्नमेंट का जो टारगेट है, यहाँ पर जो इकोनॉमी है इसको मजबूत करने की बारी है, और यहाँ पर इकोनॉमी मजबूत करना है तो 10,000 रुपये का इतना बड़ा रिस्क, और उसके बाद में सेस वगैरह ये मिला के ये जाता है 10,300 रुपये तक का, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। जहाँ तक मेरी जो स्टडी है, मेरे को जो लगता है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली हो सकता है 3.5 लाख रुपये कर दे इस बेसिक एग्जम्पशन को। और यहाँ पर अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट यहाँ पर से आपका सेक्शन 80C जो कि सेविंग्स का सेक्शन है, यहाँ पर वो बेसिक एग्जम्पशन ज़्यादा दे सकती है। क्योंकि अगर आप लोग बेसिक एग्जम्पशन नहीं करोगे, आप टैक्स बचाने के लिए चक्कर में जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास में एक मौका है, आप सेक्शन 80C का यूज़ करते हो। और यहाँ पर 2 लाख रुपये का अभी इसका डिडक्शन है, तो ये 2 से करके ये 2.5 कर देंगी, और यहाँ पर ये 3 की जगह 3.5 कर देगी। तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो ये 4 लाख का आपका टैक्स ब्रैकेट वैसे ही हो जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास में तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, साथ में पैसा भी मार्केट के अंदर आएगा, और उसके साथ ही आप लोगों की, आम जनता की यहाँ पर से सेविंग्स बढ़ेगी। और जब सेविंग्स बढ़ेगी तो आगे चल के जब आपको रिटायरमेंट वगैरह या जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तो वहाँ पर आपको खर्चा करने के लिए भी ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये आज का अपडेट है रिगार्डिंग बेसिक एग्जम्पशन ऑफ इनकम टैक्स। यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या लगता है, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और यदि आपके कुछ प्रश्न है बजट सेशन के ऊपर तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। और आपके भी अगर कुछ सजेशंस होते हैं रिगार्डिंग बजट तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि आपके जो सवाल है, आपके जो सजेशंस है, ये गवर्नमेंट तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर सके। तो मेरे अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।